ये एक तेल की खदान नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे पहला इंजन है। इस एक मशीन ने आधुनिक तकनीक की नींव रखी है। हवाई जहाज, पावर प्लांट, ट्रेन, गाड़ियां और यहां तक कि फ्रिज भी इस तकनीक के आधार पर बने हैं। न्यू कॉमन स्टीम इंजन। थॉमस न्यू कॉमन का जन्म सन 1664 में इंग्लैंड के डिवॉन में हुआ था। वे एक लोहे की खदान में काम करते थे और एक पादरी भी थे। थॉमस को खदान में बाढ़ का पानी भरने की समस्या को हल करने का बहुत मन था। न्यू कॉमन स्टीम इंजन न सिर्फ आधुनिक इंजन का जन्मदाता है, बल्कि इसके 1772 में आविष्कार होने के बाद ये उन मशीनों का भी जन्मदाता है जिनकी बदौलत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ। अगर ये मशीन नहीं बनाई गई होती तो आगे जितनी भी मशीनें आई हैं शायद नहीं आती, और हम जिस तरह अपनी आसपास की दुनिया को आज देख रहे हैं वो भी संभव नहीं होता। हमारे आसपास की हर एक चीज बहुत ही अलग होती। तो आइए सारे इंजन के पूर्वज के बारे में और गहराई से जानते हैं। न्यू कॉमन स्टीम इंजन एक तेल की खदान जैसा दिखता है, और ये इसलिए क्योंकि इसका काम भी उससे काफी मिलता जुलता है। तेल की खदानें जमीन से तेल बाहर पंप करती हैं, और न्यू कॉमन स्टीम इंजन खदान से पानी बाहर निकालता था। आइए अब इस इंजन को काम करते हुए देखते हैं। थोड़ा धीमा लग रहा है ना, पर यह अपने तरीके का पहला इंजन था, तो 12 साइकिल प्रति मिनट की स्पीड भी काफी ज्यादा ही थी। आइए इसे देखते हैं। एक तरफ है स्टीम इंजन और दूसरी तरफ है वो पंप जो खदान में अंदर तक जाता था, और उसके ऊपर है एक लकड़ी की भारी बीम और एक फलक्रम होता है जो एक सी सॉ की तरह स्टीम इंजन से मोशन को पंप तक ले जाता है। ये पंप और सी सॉ नए नहीं थे, लेकिन स्टीम इंजन बहुत ही नया व क्रांतिकारी था, तो आइए उस पर ध्यान देते हैं। यहां हमारे पास एक पिस्टन है, एक सिलेंडर, एक खोलते हुए पानी का टैंक जिसके नीचे आग जल रही है, एक पानी का टैंक और वॉल्व का एक सेट। साइकिल को शुरू करने के लिए पंप की साइड भारी है तो पिस्टन ऊपर उठ जाता है। जितनी देर में ये हो रहा है सिलेंडर में गर्म भाप भर रही है, और जैसे ही चैम्बर भर जाता है वो इन दोनों वॉल्व को बंद करके सील हो जाता है। फिर जो वॉल्व पानी को कनेक्ट होता है वो जल्दी से खुलता है और पानी का एक स्प्रे उस भाप को ठंडा करता है। इसके बाद वॉल्व फिर बंद हो जाता है। ठंडा होने के कारण भाप वापस से पानी में बदल जाती है, यानी कि वो कंडेंस हो जाती है, और इसके कारण सिलेंडर के अंदर प्रेशर कम होता है और वैक्यूम बन जाता है। पिस्टन के ऊपर से आ रहे प्रेशर व नीचे के वैक्यूम से पिस्टन नीचे जाती है और पावर का उत्पादन होता है। ये मोशन फिर बैलेंस बीम के जरिए ट्रांसफर होकर पंप की तरफ जाता है, जहां ये खदानों से पानी निकालने में सहायता करता है। साइकिल के इस हिस्से को पावर स्ट्रोक बोलते हैं। अब क्योंकि पिस्टन नीचे आ चुकी है, दोनों वाल्व खुल जाते हैं व साइकिल रीसेट हो जाती है। वैक्यूम खत्म हो गया है, भाप वापस से अंदर आ रही है और कंडेंस हुआ पानी भी साइड से बाहर निकल रहा है व साइकिल रिपीट हो रही है। जब तक चैम्बर स्टीम से दोबारा भरता है तब तक पंप की तरफ का भार पिस्टन को उठाता है। वॉल्व बंद के जब पिस्टन ऊपर की तरफ पहुंच जाती है, भाप और आउटपुट के वॉल्व बंद हो जाते हैं। पानी का वॉल्व थोड़ी देर के लिए खुलता है, पानी का एक स्प्रे भाप को कंडेंस करता है और फिर से वैक्यूम बन जाता है। पिस्टन नीचे जाती है, दोनों वॉल्व खुलते हैं, वैक्यूम टूटता है, स्टीम अंदर आती है व लिक्विड साइड से बाहर निकल जाता है। अब दूसरी तरफ के भार से पिस्टन दोबारा उठती है और सिलेंडर में स्टीम भर जाती है। रुकिए रुकिए, एक लूप में फंसने से बेहतर होगा कि हम इस साइकिल को पॉज करें और स्टीम के सिलेंडर को पास से देखें, ताकि हम समझ सके कि कैसे ये इतनी भारी बीम को उठाने व पानी को पंप कर पाने लायक फोर्स बनाता है। ये करने के लिए हम जूम करके उछलते हुए मॉलिक्यूल को देखेंगे। नीचे स्टीम का सिलेंडर है, बीच में पिस्टन है और उसके ऊपर हवा है। दोनों स्टीम व हवा के पार्टिकल बाउंस कर रहे हैं, और हर बार जब पिस्टन पे कोई मॉलिक्यूल बाउंस करता है तो वो उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाता है। बाउंस कर रहे हवा के पार्टिकल्स जो फोर्स लगा रहे हैं उसको हम प्रेशर बोलते हैं, और क्योंकि एटमॉस्फेयर भी उसी जगह फोर्स लगा रहा है हम इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो साइकिल के इस स्टेप में ठंडे पानी के स्प्रे वाला वॉल्व खुलने से तुरंत पहले पिस्टन ऊपर है व सिलेंडर स्टीम से भरा हुआ है। स्टीम व एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल के बाउंस होने का प्रेशर एक दूसरे के बराबर है। अब जब पानी व स्टीम मिलते हैं, पानी स्टीम को ठंडा कर देता है और उसके साथ ही स्टीम मॉलिक्यूल की गति भी धीमी हो जाती है। जैसे जैसे स्टीम धीमी होती है मॉलिक्यूल के बीच बांध बनना शुरू होता है, या सरल भाषा में कहें तो स्टीम पानी में बदलना शुरू हो जाती है। ये पानी
फिर ड्रॉपलेट बनके सिलेंडर के नीचे इकट्ठा हो जाता है। और अब आप देख सकते हैं कि फोर्स बराबर नहीं है। अब भी पिस्टन के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, पर क्योंकि अब स्टीम पानी में कंडेंस हो चुकी है और पिस्टन के नीचे से ज्यादा प्रेशर नहीं आ रहा, पिस्टन को ऊपर उठाए रखने के लिए प्रेशर कम है। इसका मतलब है पिस्टन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबा रहा है और प्रेशर की कमी को वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। हालांकि ये एक आधा वैक्यूम ही है क्योंकि सिलेंडर पूरी तरह से स्टीम से खाली नहीं हुआ था, पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वैक्यूम के बीच का बिगड़ा हुआ बैलेंस है जो कि पिस्टन और पंप को चलाता है। और इसलिए न्यू कॉमन इंजन को एटमॉस्फेरिक इंजन भी बोलते हैं। ये एटमॉस्फेयर का इस्तेमाल करके उसे पावर स्ट्रोक पर चलाता है और सिलेंडर के अंदर का स्टीम प्रेशर कभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होता। जिन स्टीम इंजन को हम देखते हैं वे उच्च प्रेशर वाली स्टीम का प्रयोग करते हैं जो कि कभी कभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 100 गुना ज्यादा होता है। पर सन 1700 में ऐसे वेसल जो उच्च प्रेशर को झेल सकते थे वो ज्यादा सुरक्षित नहीं समझे जाते थे क्योंकि उसमें घातक ब्लास्ट होने का खतरा ज्यादा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम वैक्यूम का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो आइए आपसे एक सवाल किया जाए। अगर हम 1 लीटर पानी को उबाल दें और पूरे को स्टीम में बदल दें तो उसकी कितनी वॉल्यूम होगी? शायद 10 लीटर या फिर 100। आपको बता दूं कि 1 लीटर पानी से उत्पन्न हुई स्टीम लगभग 1700 लीटर जगह लेगी। यह एक हैरत अंगेज मात्रा है। अब आपके सामने यह एक 2 लीटर पानी की बोतल है, इसको पूरा उबाल लेते हैं। इससे पैदा हुई भाप को अगर प्रेशर नहीं देते हैं तो ये करीब करीब 4 फ्रिज जितनी जगह ले सकता है। आइए अब इसी प्रक्रिया को उल्टा करके देखते हैं। तो शुरू करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले एक बड़े से 425 लीटर के सिलेंडर से, और जैसे हम न्यू कॉमन इंजन के साथ करते हैं वैसे ही इसे भी ठंडा करते हैं। ऐसा करने के बाद गैस 1 कप पानी से थोड़ी ज्यादा मात्रा में कंडेंस हो जाती है। बहुत सारी स्टीम बाउंस होने के बाद भी जब उसको कंडेंस करते हैं तो बहुत थोड़ा सा ही पानी मिलता है। थॉमस न्यू कॉमन इस बात को समझ गए थे और उनके दिमाग में इस बात की पूरी समझ थी कि इस इंजन को ऐसे कैसे बनाए कि ये पानी पंप कर सके। ये आविष्कार क्रांतिकारी था और इसने कई आविष्कारों के लिए रास्ते खोले। धातु से काम करने का तरीका और आग की सहायता से पानी को उबालना बहुत पुराने आइडिया थे, और 16वीं व 17वीं शताब्दी में वैक्यूम व पिस्टन की समझ भी बढ़ गई थी। पर न्यू कॉमन का इन सबको एक साथ साइक्लिकल इंजन में इस्तेमाल करने का आइडिया बिल्कुल ही नया था। वॉट इंजन लगभग 60 साल बाद आविष्कृत हुआ, जो ज्यादा बेहतर काम कर पाने के कारण इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की रीढ़ की हड्डी बना। पर जेम्स वॉट को अपने आइडिया न्यू कॉमन स्टीम इंजन पर काम करते हुए ही आए। फिर 19वीं शताब्दी में उच्च प्रेशर वाले नए स्टीम इंजन नावों और गाड़ियों में लगने लगे और समय के साथ उनकी जगह इंटरनल कंबशन इंजन ने ले ली। परंतु थॉमस न्यू कॉमन के काम के बिना ये कोई भी इंजन बन ही नहीं पाते। अपने आसपास की तकनीकों को इंजीनियर करके कलात्मक तरीके से जोड़ने की काबिलियत से न्यू कॉमन ने अपने आसपास की दुनिया को बिल्कुल बदल दिया था। अगले वीडियो में हम ट्रैक्शन इंजन के बारे में जानेंगे और स्टीम इंजन को और गहराई से समझेंगे। देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना व अपने विचारों को कमेंट्स में लिखना ना भूलें। आज आपने जो सीखा वो अपने दोस्तों व परिवार को जरूर बताइएगा।